उसको उठा के ले गए। और उसके बाद जिस दिन मतलब अरेस्ट किया था ना आर्यन खान को, उसी दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम सब कुछ बंद हो गया था, कुछ नहीं चल रहा था। तो सब जगह कंस्पिरेसी चल रही थी कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर मीम्स बना रहे थे, तो उसने अपने कॉन्टैक्ट से पूरा इंटरनेट उड़ा दिया। अगर इतने कॉन्टैक्ट्स थे उसके पास तो गांजा घर पे ही मंगा लेता ना। समुंदर के बीच में भेज दिया बेचारे को, और वो इतना चूतिया, उसकी व्हाट्सएप पढ़े पुलिस वालों ने, वो खुद परेशान हो गई, ये चूतिया अनन्या पांडे से गांजा मांग रहा है। अनन्या पांडे से, उसके घर वालों ने उससे कभी धनिया नहीं मंगाया, वो उससे गांजा मांग रहा है। इस टाइम पे सच में पूरे कंट्री ने सोच लिया, देखो अगर तुम किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर तुम अनन्या पांडे से हेल्प मांग रहे हो ना, तुम डिजर्व करते हो जेल जाना। मेरे को लग रहा है कि मतलब गांजा तो खाली रीजन है, असली में इसी के लिए अरेस्ट किया था उसने, बस घुमा के स्टोरी बनाई थी, बोले इसी के लिए अंदर ले जाके बताते थे वो क्यों अरेस्ट किया। नंबर डिलीट कर उसका, प्रोड्यूसर्स रखना नहीं चाहते उसका नंबर, तूने गांजे के लिए सेव कर लिया। और मैं न्यूज़ पढ़ी उसके बाद, मैंने डिटेल में पढ़ी तो कुछ 6 ग्राम या 6 मिलीग्राम गांजा मिला, उससे भी नहीं मिला था, जो ग्रुप को अरेस्ट किया था पूरे ग्रुप से मिला के। इतना तो मैं रोल करते हुए गिरा देता हूँ, मेरे साथ क्या होता फिर। बट से ये जो भी कांड हुआ ना, इससे मालूम पड़ गया कि इंडिया में सारे पेरेंट्स सेम होते हैं, कितना भी पैसा आ जाए, क्योंकि अपने पेरेंट्स भी वही करते थे ट्यूशन में ले जाके कि अपना ही बेटा समझ के मारो। बहुत फेल होता है चुतिया, मारो इसको, पेलो पूरा। शाहरुख खान ने वो आर्यन खान के साथ कर दिया, इतने कॉन्टैक्ट्स है कि इंटरनेट बंद करवा सकता है, पर उसको बेल नहीं दिलाएगा। अब पहले पेलो इसको 1 महीना, बाद में छुटा लूंगा, इसको समझ में आना चाहिए रसना पीने की उम्र में गांजा खोक रहा है।